तो सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक निजी कार्यक्रम में ऐसी बात कही थी, पब्लिकली ऐसी बात नहीं कही गई थी, इस पर कोई जवाब चाहिए तो पार्टी से बात कीजिए, इस पर पार्टी इस पर सफाई देगी। गणेश हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश बयान नेता दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी इस पर सफाई देगी, हमारी पार्टी से बातचीत कीजिए, जबकि पार्टी ऐसे बयानों से कई बार किनारा कर लेती है। देखिए जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद का जो बयान आया उसके बाद पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, जिस तरीके जो हालात बांग्लादेश में हुए उस तरीके से भारत के अंदर भी हो सकते हैं, उसके बाद सत्ता में जो रूढ़ है बीजेपी उसको लेकर पूरी तरीके से निशाना साध रही और कह रही है कि इनके मनसूबे किस तरीके से वो साफ तौर से दिखाता है। मोदी से नफरत करते करते एक तरीके से ये भारत से भी नफरत करते लगे, इस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेताओं का बयान और लगातार जिस तरीके से ये जो बयान दिया है उसके बाद लगातार सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस पर निशाना साध रही और कह रही है कि इनके मंसूबे किस तरीके से हो सकते हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए इस तरीके से अगर उनका एक नेता जो वरिष्ठ नेता है पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं इस तरीके से वक्तव्य देते हैं तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि क्योंकि ये देश की सुरक्षा अखंडता के पूरे सवाल के ऊपर ये सवाल ये निशान खड़ा करते हैं। एक तरीके से केंद्रीय मंत्री का अगर इस तरीके से कथन आता है, जिस तरीके से जो हमारे जो सहयोगी उन्होंने सवाल किया सलमान खुर्शीद से, उनका साफ तौर से जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया वो साफ तौर से देखने लायक था। जी ठीक है, धन्यवाद गणेश आपका इस जानकारी के लिए। देखिए लगातार आपको बता रहे, इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, बंगाल ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई है, बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो विनेश फोगाट जिन्होंने कल लगातार बैक टू बैक तीन मुकाबलों में बड़ी जीत हासिल की थी और विश्व नंबर वन खिलाड़ी को पटकनी दी थी, सिल्वर मेडल के साथ साथ गोल्ड पर भी कब्जा करने की तैयारी थी लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है, कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। एक तरफ विनेश को लेकर पूरे देश भर में उनकी हौसला अफजाई के लिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर यह कहा जा रहा था कि विनेश ने जिस तरह से खेल खेला है वो अच्छा है और आगे विनेश अच्छा परफॉर्म करेंगी, लेकिन अयोग्य घोषित किया गया है और कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ओवरवेट है विनेश फोगाट। दरअसल 50 किलोग्राम कुश्ती में विनेश फोगाट लड़ती हैं, कुश्ती करती खेलती हैं और विनेश फोगाट का जब वजन किया गया तो कहा जा रहा है कि 100 ग्राम ज्यादा हैं अपने वजन से, इसीलिए वो कुश्ती ओलंपिक में फाइनल नहीं खेल सकती हैं, अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। आज रात को 10 बजे उनका फाइनल मुकाबला महिमा होना था लेकिन उनको उसके पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आप सही कह रही हैं और फैसले पर भारत इस वक्त विरोध भी कर रहा है, ज्यादा वजन की वजह से वो नहीं लड़ पाएंगे अपना फाइनल मैच। 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में वो पहुंची थी और लगातार खुशी भी जाहिर की जा रही थी। इनफैक्ट हम दोनों सुबह बात भी कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि भारतवासियों में काफी ज्यादा खुशी है लेकिन ज्यादा वजन के कारण अयोग्य उनको घोषित किया गया, लगातार भारत भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त ओलंपिक से जुड़ी हुई है, हम आपको बता रहे हैं विनेश फोगाट अयोग्य घोषित की गई हैं, ओवरवेट होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया, कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी। और आज जो देखिए सुबह से लगातार हम आपको जानकारी दे भी रहे थे, एक तरफ आपने देखा मनु भाकर जब वापस आई उसके बाद आज उनके मैच पर सभी की नजरें थी और सभी को गोल्स की उम्मीद भी थी, लेकिन अब विनेश फोगाट से जुड़ी हुई ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ओवरवेट होने की वजह से वो अपना फाइनल मैच अब नहीं खेल पाएंगे, 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा बताया जा रहा है। दरअसल सिल्वर तो पक्का ही माना जा रहा है विनेश फोगाट को लेकर, लेकिन आज फाइनल मुकाबला था उनका रात 10 बजे जिसको लेकर देश भर में दुआएं भी हो रही थी और लगातार हौसला अफजाई भी विनेश फोगाट को लेकर हो रही थी क्योंकि लगातार ब्रॉन्ज तो भारत ने जीते हैं लेकिन अभी तक सिल्वर या गोल्ड से जुड़ी हुई कोई भी खुशखबरी भारत नहीं आई है। ऐसे में गोल्ड को लेकर विनेश फोगाट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, विनेश के साथ साथ जैवलिन थ्रो में भी पूरी उम्मीद है देश को कि नीरज चोपड़ा अच्छा करेंगे और गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन अभी भारत को भारत के खेल प्रेमियों को बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। जब उनका वजन किया गया कल के मुकाबले के बाद तो 100 ग्राम ओवरवेट निकली हैं। एक तरफ लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है और विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यह कहा जा रहा है कि विनेश से जो उम्मीदें थी वो उन्होंने पूरी की है लेकिन उनका वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि जो गोल्ड का सपना विनेश फोगाट भारत लेके आएंगी गोल्ड, क्योंकि कुश्ती में यह पहला मौका था जब विनेश फोगाट इस ओलंपिक में गोल्ड के लिए क्वालिफाई करते हुए कुश्ती लड़ती, आज रात 10 बजे उनका मुकाबला होता लेकिन उससे पहले करीब करीब कुछ घंटों पहले बड़ा झटका लगा है खेल प्रेमियों को, विनेश फोगाट के चाहने वालों को। साथ ही जब विनेश फोगाट ने कल जीत हासिल की थी तो उनके कोच की आंखों में भी आंसू थे और लगातार वो कह रहे थे कि विनेश ने जो तैयारियां की हैं जिस तरह से मेहनत की है उसको लेकर सफलता उन्हें मिली है, लेकिन अब विनेश फोगाट
से जुड़ी एक बुरी खबर खेल प्रेमियों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जिन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि विनेश आज ये तय है कि गोल्ड लेकर आएंगी। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि आज रात को 10 बजे होने वाले ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले में विनेश रिंग में नहीं उतरेंगी। विनेश क्वालिफाई करती रही, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही महिमा, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर इसे कहेंगे खेल प्रेमियों के लिए जिन्होंने विनेश से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, हमारे आपके लिए भी बड़ा झटका ही है ये। बिल्कुल, भारत के ओलंपिक अभियान को भी एक तगड़ा झटका लगा है यहाँ पर, और जिसका इंतजार लोग कर रहे थे, आज फाइनल मैच का लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो मैच उनको देखने को नहीं मिलेगा विनेश फोगाट का, क्योंकि ओवरवेट है। और सबसे बड़ी बात कि ये बताया जा रहा है 50 किलो से मेल उनका जो वेट नहीं खा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम ये बताया जा रहा है कि उनका वेट ज़्यादा है। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने यह भी कहा है कि खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर इस वक्त साझा करते हैं, यानी कि जैसे इसके बारे में जानकारी दी तो उन्होंने भी खेद जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात की कोशिश की जा रही थी और ये आज दिन भर इंतजार किया जा रहा था, लोगों को बस इंतजार था कि शाम को जब मैच होगा तो वो मैच देखेंगे। और कल हमने वो भी तस्वीरें देखी थी, देखिए जब इन्होंने मैच जीता, सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो उसके बाद उनके घर वालों में जहां से आती है वहां के लोगों में कितनी ज्यादा खुशी देखी गई थी, मिठाई भी लोगों ने बांटी। लेकिन अब ये बुरी खबर उन लोगों के लिए जो विनेश फोगाट को पसंद करते हैं और जिनको मेडल का इंतजार था, अब फाइनल वो नहीं खेल पाएंगी। और ऐसे में अब ये देखना होगा, जैसे कि ये भी खबर मिल रही है कि भारत इसको लेकर के विरोध लगातार दर्ज करवा रहा है। और विनेश फोगाट दरअसल ऐसी फैमिली से हैं, फोगाट फैमिली, जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक हो चाहे कुश्ती में अलग अलग स्तर पर गोल्ड हासिल किया है, सिल्वर हासिल किया है, एक नए मुकाम को कम से कम भारतीय महिला कुश्ती को पहुंचाया है। ऐसे में विनेश से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन कुछ ग्राम वजन ज़्यादा होना सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि एक खिलाड़ी पूरी तैयारी करता है, अपने वजन को लेकर तमाम चीज़ें ध्यान में रखता है, कोचेज या उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि किसी भी खिलाड़ी का जो 50 ग्राम कुश्ती में या 75 किलोग्राम कुश्ती में मैदान में उतर रहे हैं उनका कुछ ग्राम भी वजन ना बढ़े। लेकिन विनेश फोगाट का जब आज वजन किया गया, क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं आज रात को 10 बजे मुकाबला होना था, उससे पहले जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाना था, और जब आज वजन किया गया तो उनका 100 ग्राम ज्यादा निकला है। कल जब विनेश फोगाट रिंग में उतरी थी, क्योंकि कल 3 बैक टू बैक मुकाबले विनेश ने खेले थे और उन तीनों मुकाबलों में हर बार उनका वजन किया गया था, अप टू द मार्क था, कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज फाइनल मुकाबले से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन्हें किया गया, तो उसके पहले विनेश फोगाट का कुछ ग्राम वजन ज्यादा निकला है। ऐसे में कुश्ती प्रेमी, खेल प्रेमी, विनेश फोगाट के चाहने वाले, और लगातार जो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला लेकिन अभी तक सिल्वर या गोल्ड से जुड़ी कोई खबर नहीं आई थी, जो उम्मीदें विनेश से थी लोगों को कि गोल्ड लेकर आएंगी, उन उम्मीदों को भी एक झटका लगा है। विनेश एक अच्छी खिलाड़ी है, विनेश लगातार भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करती रही है और पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरी, इसके पहले भी हमने देखा है हर मुकाबले में वो अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देती रही है। इससे दिखता है कि एक खिलाड़ी ने कितनी तैयारी की है पिछले 5 सालों में, और केवल ओलंपिक के लिए ही नहीं अलग अलग चैंपियनशिप के लिए भी खिलाड़ी लगातार तैयारियां करते हैं। ऐसे में विनेश फोगाट जो लंबे समय